हेलो दोस्तों, मेरा नाम उमेर अली और आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट इफेक्ट चैनल। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दें। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वनडे इंटरनेशनल की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। दोस्तों, कौमी क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को चौथे वनडे इंटरनेशनल में शिकस्त देकर आलमी पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल कर ली है। कराची में होने वाले 5 एक रोजा मैच के सीरीज के चौथे मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 102 रन से बआसानी शिकस्त दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में फतह हासिल करने के बाद आलमी टेबल पॉइंट्स पर पाकिस्तानी टीम 113 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर आ गई, जबकि दूसरे और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और भारत है। दोस्तों, वाज़े रहे कि यह पहला मौका है कि पाकिस्तान वनडे के आलमी रैंकिंग में पहली पोजीशन पर आया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने तारीख की कामयाबी पर टीम और कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि कप्तान बाबर आजम, पूरी टीम और कोचिंग स्टाफ इस अहम मौके पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मुझे टीम पर फख्र है और इसके लिए नेक तमन्नाएं। नजम सेठी ने मजीद कहा कि मुझे याद है कि मेरी पिछली दौर में पाकिस्तानी टीम टेस्ट और टी20 की आलमी रैंकिंग में पहले नंबर पर आई थी और अब वनडे में भी दुनिया की नंबर वन टीम बन गई है। उम्मीद है कि हमारी जो ट्रेनिंग हो रही है वो एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप में काम आएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दें। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।